अस्सलाम वालेकुम, एवन टीवी के साथ मैं हूं आमना मजीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, अदलिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले रियासत सबसे ऊपर फिर तमाम इदारे आते हैं, हम सब आइन के ताबे हैं। अगर अटॉर्नी जनरल तहमुल से काम ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रियासत कमजोर है। आइन से बड़ा होने की सोच गैर आइनी है, चंद मखसूस लोग इदारों में मुदाखलत कर रहे हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने अवाम दोस्त बजट लाने की खुशखबरी दे दी, बोले बजट आएगा तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। मईशत मुश्किल का शिकार है मगर घबराने की जरूरत नहीं, सारे मसाइल एक रोज में हल नहीं हो सकते। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे, गैर मुल्की अदायगियां वक्त पर होंगी, मुल्क दिवालिया होने की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान सियासी अदम इस्तेहकाम से हुआ। भारत रियासत उड़ीसा में अलमनाक ट्रेन हादसा, 290 अफराद हलाक, 800 से ज्यादा जख्मी। सैकड़ों जख्मियों की हालत तश्वीशनाक होने के बाद संवाद बढ़ने का खदशा है। हुकाम के मुताबिक रियासत उड़ीसा के जिला बालासोर में दो मुसाफिर एक माल ब्रादर ट्रेनों में तसादुम हुआ, इमदादी कार्रवाइयां जारी, 200 से ज्यादा एम्बुलेंसेज और इमदादी अहलकार शरीक। भारतीय रियासत में एक रोजा शोक का ऐलान। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग, गुजरांवाला पुलिस ने परवेज इलाही के तर्जुमान इकबाल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। इकबाल चौधरी साबिक वजीर आला की पेशी के सिलसिले में सेशन कोर्ट पहुंचे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज इलाही एंटी करप्शन केस में पुलिस की हिरासत में हैं। तरक्याती स्कीम में मुबैना रिश्वत लेने के इल्जाम में पुलिस परवेज इलाही को आज अदालत में पेश करेगी। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। परवेज इलाही के देरिना साथी वक्कार हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज इलाही ने खुद को बेगुनाह करार दे दिया। साबिक वजीर आला पंजाब बोले, पाक फौज का हामी हूँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, पीटीआई में हूँ और इसी में रहूंगा। अदलिया पर भरोसा है, मैंने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया था, जो ये कर रहे हैं वो भुगतेंगे। उधर निगरान वजीर इत्तला पंजाब आमिर मीर का कहना है कि परवेज इलाही को फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाजे है। मेगा करप्शन केस में परवेज इलाही डिस्चार्ज करते हुए जज ने हकायक नजरअंदाज किए, जज का सोशल मीडिया पेज उनकी सियासी वाबस्तगी का अहम तरीन सबूत है। एवन टीवी से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी। सब पे नजर, अंदर की खबर।